जब पूरे देश में राम मंदिर के मौके पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो मोदी हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात में यूएई के राजा का रोड शो करवा रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात की थीम है गेटवे ऑफ फ्यूचर, और हिंदू हृदय सम्राट मोदी कह रहे हैं वेलकम भाईजान। आखिर क्यों? अपने मंत्रियों को नसीहत भी दे रहे हैं कि राम मंदिर पर एग्रेशन नहीं, आस्था दिखाओ। मोदी और मुसलमान भारतीय राजनीति की सबसे अनसुलझी पहेली है। एक तरफ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मुसलमान कुछ भी कर सकता है लेकिन मोदी को वोट नहीं देगा, दूसरी ओर पिछले 5 साल से बीजेपी उसे और उसके सहयोगी संगठन हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मोदी और मुसलमान का स्टीरियोटाइप ब्रेक किया जाए। तो 2024 के चुनाव में आज का रोड शो राम का नाम और सबका साथ सबका विकास क्या फर्क पैदा करेगा, यही आज की हमारी बहस है। देश इस वक्त राममय माहौल में है। अयोध्या में जय श्री राम, तो गुजरात में भाईजान का माहौल है। एक तरफ भगवान राम है जिससे हिंदुओं की एकता है, जिनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरे देश में उत्सव का माहौल है, तो दूसरी तरफ लाभार्थी हैं यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। यानी मुसलमान भी पीएम मोदी के साथ हैं इस रोड शो में, या मुसलमानों के साथ होने की को दिखाने की कोशिश भी यहां पीएम मोदी की तरफ से दिख रही है। लेकिन क्या ये 2024 में असर करेगा? अयोध्या में जय श्री राम और गुजरात में भाईजान, ये आज बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं। देखिए, आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने आज क्या कहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप ठीक नीचे जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात में भाईजान, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान का एक रोड शो है जो कि शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे और वहां के बारे में आपको बताते रहेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने आज बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा, निर्देश दिया मंत्रियों को कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सचेत रहें, आस्था दिखाएं लेकिन आक्रामकता नहीं दिखनी चाहिए, बेवजह की बयानबाजी से बचें, मर्यादा का हर कोई ख्याल रखे, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माहौल खराब ना हो, लोगों को 22 जनवरी के बाद अयोध्या लेकर आएं और लोगों को भगवान का आशीर्वाद दिलाएं, ये उन्होंने कहा है। अब आपको बता दें कि अयोध्या को लेकर बीजेपी की तैयारी क्या है। बीजेपी ने हर दिन 50,000 लोगों को रामलला के दर्शन करवाने का ऐलान किया है। बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अक्षत बांट रहे हैं। 22 जनवरी को बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मंदिरों में दीपक जलाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी के योगदान की बुकलेट घर घर बांटेंगे और साथ ही गांव-गांव जाकर लोगों के बीच विरोधियों का प्रचार करेंगे, और ये ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर मुस्लिम देशों में भी मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। पीएम मोदी ने 2014 से अब तक 22 मुस्लिम देशों की यात्रा की है। 7 मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इसके अलावा दुनिया के 2 मुस्लिम देश यूएई और बहरीन में हिंदू मंदिर का निर्माण, ये सभी पीएम मोदी को और ज्यादा एक्सेप्टेंट दिखा रहे हैं, और ज्यादा पीएम मोदी मुस्लिमों के बीच कितने लोकप्रिय हैं उसको भी कहीं ना कहीं स्थापित कर रहे हैं। तो 2024 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक नारा है, सबका साथ सबका विकास, क्या वो इसी रास्ते से होकर गुजरेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, बीजेपी के प्रवक्ता, वारिस पठान, AIMIM के प्रवक्ता, प्रियंका भारती, RJD की प्रवक्ता, डॉक्टर वरुण पुरोहित, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का स्वागत है। और मैं गुरु प्रकाश पासवान, सीधा सवाल आपसे, क्या यही है सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसका रोड मैप, कि अयोध्या में जय श्री राम और गुजरात में भाईजान? नहीं नहीं देखिए गौरव जी, कुछ लोगों का ऐसा प्रयास रहता है, कुछ लोगों का ऐसा मन होता है कि वो समाज में भेदभाव पैदा करें, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, वो संकट का भय का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से दिल्ली में बैठी है, आप मुझे बताइए, आपके दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूं कि कम्युनल एटमॉस्फेयर जो है वो उसमें सुधार हुआ है? उसके पहले का आप देखिए, मुजफ्फरनगर हो, तमाम आंकड़े ये बताते हैं कि 2014 के बाद, और आंकड़ों की बात करें तो 2014 में जहां मात्र 4.5% हमारे मुसलमान समाज के लोग सरकारी नौकरियों का अंग थे, अब 10.5% मुसलमान समाज के लोग सरकारी नौकरी का अंग है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 40% 40% से ज्यादा मुसलमान समाज की जो हमारी बहनें हैं वो शिक्षा में आ रही हैं। तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, गौरव भाई, हमारे लिए मात्र नारा नहीं है, हम सब के लिए प्रतिबद्धता है। वो चाहे उत्तर प्रदेश में दानिश रिजान रसवानी हो, वो चाहे जम्मू कश्मीर में सईद जी हो, आज मुसलमानों में भी जो जातिगत भाव से पिछड़ा समाज है, जो पसमांदा समाज है, पसमांदा समाज भी मुख्य धारा का पार्ट कैसे बने, पसमांदा समाज भी सरकारी संस्थानों का भाग कैसे बने, हमारी ये चिंता है।
वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लगातार आज भी धर्म के नाम पे उन्माद फैला करो, जाति के नाम पे भेदभाव पैदा करो, लेकिन मोदी जी जब कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना भाषा के नाम पे, ना क्षेत्र के नाम पे मोदी आगे बढ़ते हैं, तो देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान आगे बढ़ता है। मोदी आगे बढ़ते हैं तो देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान आगे बढ़ता है। वारिस पठान, सबका साथ सबका विकास, और वो दिख भी रहा है। अयोध्या में जय श्री राम और गुजरात में भाईजान, फिर विरोधी आप क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना उनकी आलोचना करते हैं, क्यों उनको निशाने पर लेते हैं आप? देखिए गौरव भाई, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही तो सबसे बड़ा एक जुमला है। 2014 से जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई, उन्होंने एक ही तो काम किया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, गालियां बकना, अपशब्द इस्तेमाल करना, और जो इस तरह की भाषा करे उसको प्रमोशन देना। तो कहाँ से सबका साथ ये हुआ? अब बात कर रहे थे यहाँ पर कि मोदी जी गुजरात में हैं, भाईजान बन के वहाँ गए हैं। अच्छी बात है, गुजरात में भाईजान बन गए, फॉरेन जो रहते हैं डिग्नेटरीज अरब लोगों को गले लगाते हैं, मगर हिंदुस्तान मुसलमानों से मोदी को ज़रा भी प्रेम नहीं है। अभी गुजरात ही के अंदर कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है बिल्किस बानो का, वह गुजरात की है, गुजरात की बेटी है, हमारे देश की बेटी है। बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ था, उसकी माँ का बलात्कार, बहन का बलात्कार, उसके बाद उनका कत्ल कर दिया गया। बिल्किस बानो हमला थी, बच गई उसकी बेटी का सर पत्थर से फोड़ के मार दिया। गुजरात में उस वक्त के हालात वो थे कि केस शिफ्ट करना पड़ा था महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में केस चला, सबको सजा हो गई। मगर गुजरात के चुनाव के पहले, विधानसभा का जो चुनाव आया था ना, उसी के पहले गुजरात की सरकार ने उन तमाम लोगों को रेमिशन के तहत छोड़ दिया। और ये गुजरात में मोदी की सरकार थी, सेंटर में मोदी की सरकार थी, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने गो अहेड दिया था कि ठीक है आप जाके छोड़ दीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि स्टेट कंप्लिसिटी था, रेपिस के साथ खड़ा था बीजेपी। अब क्या नारी सम्मान की बात कर रहे, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे? और गुजरात में मोदी है ना, अगर इतनी नारी की फिक्र है, इतना मुसलमानों से प्रेम छलक रहा है, तो जाइए बिल्किस बानो के घर पे, वहीं है वो, जाइए उससे माफी मांगिए, बीजेपी की तरफ से माफी मांगिए, और कहिए कि हमसे गलती हो गई, हमने तुमको न्याय नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे साथ इंसाफ किया, हम उन बलात्कारियों का सम्मान किए, हमारे दो दो एमएलए ने वहां पर खड़े रहकर कहा, संस्कारी लोग हैं, जाइए ना, अगर आपको सबका साथ सबका विकास का इतना प्रेम है तो दिखाइए जाकर मोदी जी। इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ ढोंगबाजी है, ढोंगबाजी है, ओके, और कुछ नहीं है। ओके, कतनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, सब कुछ यहाँ कतनी करनी में आसमान का फर्क। गुरु प्रकाश पासवान, नहीं देखिए ऐसा है कि मैं इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और ये जिस पार्टी का यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं उस पार्टी का महिलाओं के प्रति कितना स्नेह ये जग जाहिर है। मैं इस पे ना तो इनसे बहस करूंगा ना टिप्पणी करूंगा। ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही मुसलमान समाज की महिलाओं के लिए एक शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में रहने वाली महिलाएं और उनके प्रॉपर्टी राइट से वंचित हो जाती हैं, एक शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से। मुसलमान समाज की महिलाएं प्रगतिशील होना चाहती हैं, शिक्षित होना चाहती हूं, ये पर्दे में रखना चाहते हैं उनको। ये वही है जो शाहबानो का वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो तलाकशुदा मुसलमान समाज की महिलाएं हैं ये मौलवी और मौलानाओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को उन्होंने पीछे कर दिया था। आप प्रगतिशीलता की बात करते हैं, मुसलमान बहनों की शिक्षा के विरोध में, मुसलमान बहनों के प्रगति के विरोध में, मुसलमान बहनों के विकास के विरोध में, मुसलमान बहन अगर जाए वहां पे स्कूल कॉलेज में जाए उसके विरोध में, और आप मुसलमान बहनों की बात करते हैं। ये सिलेक्टिविटी नहीं चलेगी वारिस पठान जी। जब बात होती है तो बात रामपुर की करिए, बात आजमगढ़ की करिए, बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की करिए, जहां हमारे मुसलमान भाई और बहनों ने खुले मन से मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, अपना जनादेश दिया है। जब उज्ज्वला की बात होती है, आवास योजना की बात होती है, तो हम आपकी तरह नहीं है कि एक समाज और एक धर्म के नाम पे तुष्टिकरण करते हैं। 140 करोड़ देशवासी मोदी जी के भाई और बहन हैं, और मोदी बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो है यहां पर। वारिस पठान जवाब दीजिए, फिर मैं अपने दूसरे पैनल के पास जाऊंगा। इतनी सारी योजनाएं, सबका किसका फायदा हो रहा है इसमें? कोई हिंदू को देखकर तो नहीं दिया जा रहा है इसमें, तो मुसलमानों को भी फायदा मिल रहा है। सब योजनाएं बनती है मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन कहां पर होता है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे, चलिए मेरे साथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कितने मुसलमानों को घर दे दिया है? एक भी नहीं।
बात नंबर दो, इन्होंने मेरी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। ट्रिपल तलाक के वक्त ने कहा था मुसलमान नारी मेरी बहन है, तो बिल्किस बानो भी तो आपकी बहन हुई ना, तो बिल्किस बानो के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगना चाहिए था उससे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कंप्लिसिट थे, स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को शरण दिया, अब उनको उठा के जेल में डाला जाएगा, तो क्यों आप खामोश बैठे? क्यों कोई बीजेपी का नेता ट्वीट भी करके नहीं बोलता कि नहीं बिल्किस बानो के साथ गलत हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया? क्यों कोई बीजेपी का प्रवक्ता टीवी के चैनल के ऊपर आकर ये बात का बयान नहीं करता कि वाकई में बिल्किस बानो के साथ गलत हुआ था और उससे माफी मांगो? सब लोग माफी मांगना चाहिए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। क्यों कोई आके नहीं बोलता यहां पर? अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, क्यों नहीं बोलते मालूम है? क्योंकि आपके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत है और बिल्किस बानो का नाम बिल्किस बानो है ना, इसलिए। अरे हम तो निर्भया के टाइम पे भी खड़े हो गए थे, हम तो हाथरस की बेटी के टाइम भी खड़े हो गए थे कि नई न्याय मिलना चाहिए बेटियों के साथ, बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कानूनी तौर पर उनको सजा दो। मगर आज सबके मुंह पे ताला क्यों लग गया? ओके, ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं तो और क्या है? ठीक है, आप राम मंदिर में बिजी हो गए रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन देखो दीवानों, तुम ये काम ना करो, अपनी ऊंची सियासत के लिए राम जी का नाम बदनाम ना करो। चार शंकराचार्य ने बॉयकॉट कर दिया,